will see how much power do you have. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो मैं आज आप लोगों के सामने दोबारा से हाजिर हूँ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आया हूँ। हम लोग आए हैं पेनिंग हिल। पेनिंग हिल जोन से वो पेनिंग आइलैंड का बहुत हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट स्टेशन है। ये ब्रिटिश दौर से इन लोगों ने इधर बनाया था। तो इधर हम आए हैं, इधर जब भी आप आएँ सुबह सुबह आएँ क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा रश होता है। कोरोना की वजह से तो कम रश है। मैं तकरीबन 8 बजे इधर पहुंचा हूं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इधर से आपने टिकट कैसे लेनी है और कैसे आप ऊपर जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलें चलते हैं हम अपने सफ़र की तरफ। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टिकट बाय करके आएँगे तो इंतज़ार करने से बच जाएंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स की टिकट्स मिलेंगी। मलेशियन रेजिडेंस या वर्क परमिट वालों को 2-way टिकट 12 रिंगट की और फॉरेनर्स को 30 रिंगट की मिलेगी। और ये जो हमसे आगे लोग खड़े हैं जो लाइन तोड़ के जा रहे हैं, ये फास्ट वे टिकट इन्होंने खरीदी है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पेनिंग हिल स्टेशन ब्रिटिश दौर में बनाया गया था। ब्रिटिश लोगों ने गर्मी से बचने के लिए ये हिल स्टेशन बनाया। तो व्यूवर्स, मैं ऑब्जर्वेशन डेस्क में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से आप पूरे पेनिंग आइलैंड का जो है वो व्यू कर सकते हैं। कुछ एरिया इन्होंने क्लोज किया हुआ है और कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, उधर नहीं जा पा रहे। लेकिन टाइम जो है ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप किस टाइम पे इधर आना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत सुबह आप आएँगे तो ये इलाका बहुत फोगी होगा, तो फोग की वजह से आप ये देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत हाइट पर है। आई थिंक 7-8 बजे आएँगे। अगर 8 बजे तक ऊपर पहुँचे, धूप ना इतनी ज़्यादा निकली हो, तो फिर तो बहुत परफेक्ट टाइम है। लेकिन अभी जो है वो धूप बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। वीडियोस वगैरह धूप की वजह से इतनी अच्छी नहीं बन रही, लेकिन इधर आने का मेरे ख्याल से परफेक्ट टाइम जो है वो शाम का टाइम है, जब सूरज आपका नीचे जा रहा होता है, सूरज ग्रूब हो रहा होता है। तो बिल्कुल मेरी बैक साइड पर, मेरी वीडियोज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा, पेनिंग का जो है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है, और सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है वो पेनिंग का, और उसके बिल्कुल दूसरी साइड पे जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। तो ये दोनों ब्रिज जो हैं पेनिंग आइलैंड को इसके मेनलैंड से या इसके दूसरे सिटी से मिलवाते हैं।
दोस्तों अगर आप पेनिंग हिल में आएँ तो सिर्फ इधर एक एक्टिविटी नहीं है, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और इधर पूरा दिन इंजॉय कर सकते हैं। इधर बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए हैं। अब उस एरिया से होते हुए हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो दी हैबिटाट है। ये एक स्काईवॉक की तरह है, जिस तरह हमने अपने जॉर्ज टाउन के व्लॉग में एक स्काईवॉक की थी, इधर भी एक स्काईवॉक है लेकिन ये सर्कल में है। तो उधर जाके हम सबसे पहले उसकी टिकट लेते हैं और आपको वो एरिया दिखाते हैं, क्योंकि ये एक जो एरिया थोड़ा सा जंगल की तरह है, ज़ू की तरह है, नेचर पार्क है। यहाँ पे काफ़ी आपको डिफरेंट डिफरेंट जानवर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्टिविटी भी पसंद आएगी। दोस्तों यहाँ आने की टिकट जो है वो 55 रिंगट है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी अगर आप पेनिंग हिल के ऊपर आए हैं, वो वाला एरिया देख रहे हैं, तो ये वाला एरिया भी देखना वर्थ इट है। तो अंदर आते साथ आप लोग आवाज़ें सुन रहे हैं, बिल्कुल ये नेचुरल वॉइस हैं, जानवरों की आवाज़ है। इधर बहुत से सांप भी हैं, हर किस्म के जानवर मिलेंगे, लेकिन सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, तो उस तरह की टेंशन वगैरह नहीं लेनी। लंबे लंबे दरख्त हैं इधर, तो अगर आप अकेले आ रहे हैं, मे बी अगर आप नेचर लवर हैं तो आप इसको पसंद करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ आएँ तो आपको बहुत मज़ा आएगा। Can someone swing me? Oh, yes. With power, okay? With power. For all of you, maybe. Try it. With power. Yeah, with power. We will see. How much power do you have? More? Fast? One more? So, thank you. Yeah, perfect. Thank you. दोस्तों मैं आप सबसे कहूँगा कि व्लॉगिंग जो है वो करना शुरू कर दें, क्योंकि व्लॉगिंग का जो सा शौक है ना, या फिर ये जो आप व्लॉगिंग करते हैं उससे बहुत अच्छी फिटनेस आप लोगों की होती है, आप लोग बहुत वेट लूज़ कर सकते हैं। और मेरे साथ भी ये प्रोसेस हो रहा है, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है मैं अपने आप को फिट फील कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है। तो अब हम लोग
पेनिंग की हाईएस्ट पब्लिक सी व्यू पॉइंट पे आ गए हैं, स्काई वॉक पे आ गए हैं। आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ, और ये जो उनसे 800 मीटर अबव सी लेवल है, तो बहुत प्यारा व्यू है। व्यूअर्स, होपफुली आप लोगों ने ये वाला जो हैबिटेट का सफ़र है वो इंजॉय किया होगा। मैं अनफॉर्चुनेटली कोई जानवर तो नहीं ढूंढ पाया, लेकिन जो एक्टिविटी देखी है, स्काई वॉक, वो जो उनसे राउंड पे वॉक किया वो बहुत मज़े की थी, झूला जो झूला वो बहुत मज़े का था, तो नेचर देखने का मज़ा आया। आप लोग इधर आएँ तो आपके पैसे पूरे होंगे, 55 रिंगट इट्स ओके इस टूर के लिए। अगर आप नेचर लवर हैं तो आप लोगों को ये करना चाहिए। तो अब एंड में इन्होंने वापस उस पॉइंट पे जाने के लिए जहाँ पे सारी दूसरी एक्टिविटी भी हैं करने को, उधर जाने के लिए इन्होंने ये बग्गी सिस्टम रखा हुआ है। इस बग्गी में बैठ के आप वापस उधर जा सकते हैं, ताकि आपको वॉक ना करनी पड़े। तो दोस्तों, इतनी ज़्यादा खानों की ऑप्शन देख के मैं तो कंफ्यूज हो गया कि मुझे क्या लेना चाहिए। आखिर में मैंने इन लोगों की लोकल डिश 4 कोयतों के लिए डिसाइड किया, और जो बहुत मज़े का था। अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग भी ये डिश लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। तो व्यूवर्स, खाना मैंने खा लिया, खाना बहुत अच्छा था, मज़ा आया खाना खाने का। जगह की थोड़ी इशू थी, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों और जगह थोड़ी हो तो इस तरह मैनेज करना पड़ता है। तो सुबह के टाइम हम लोग ऑब्जर्वेशन डेस्क में गए थे और वहाँ से अच्छा व्यू नहीं कर पाए थे, इसलिए अब मैं दोबारा उधर जा रहा हूँ ऑब्जर्वेशन डेस्क में, और उधर से जाके दोबारा से आपको पेनिंग व्यू दिखाता हूँ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाली रह गई थी, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, और अभी जो सा टाइम है वो परफेक्ट है, वो चीज़ हम जाके करने वाले हैं। तो होपफुली वो चीज़ आपको पसंद आएगी।
दोस्तों सुबह के वक्त हम लोग ड्रोन शॉट अच्छे नहीं ले पा रहे थे, इसलिए हमने इस टाइम का इंतज़ार किया। सूरज की शुआएँ हर जगह पड़ रही थी और वीडियो बहुत अच्छी आई। होपफुली आप लोगों ने हमारे ड्रोन शॉट पसंद किए होंगे। तो आज थे हम लोग पेनिंग हिल, हम लोगों ने पेनिंग हिल और दी हैबिटेट एक्सप्लोर किया। मैंने तो इधर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, होपफुली आप लोगों ने भी मेरे साथ इन्जॉय किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।